नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों 2022 की मच अवेटेड सेल फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जस्ट स्टार्ट ही होने वाले, कुछ ही दिन और बाकी रह गए हैं, तो आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ परचेज करने का तो मन बनाया ही होगा। तो आप देखते होंगे जब भी कोई सेल आती है, इस तरह की कोई बड़ी सेल आती है, तो वहाँ पे बैंक की तरफ से कुछ ना कुछ ऑफर आप लोग को दिए जाते हैं। जिस भी बैंक की तरफ से टाई अप रहता है, उसके डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से अगर आप लोग कोई भी परचेजिंग करते हो, तो वहाँ पे आप लोग को 10% का स्टैंड डिस्काउंट दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को इसी 10% के स्टैंड डिस्काउंट के बारे में बताने वाले हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजॉन। तो क्या सचमुच वो 10% का स्टैंड डिस्काउंट आप लोग को मिलता है या फिर कोई छलावा किया जाता है, या फिर अगर मिलता भी है तो किन किन चीज़ों पे मिलता है और किन किन चीज़ों पे हमें नहीं भी मिलता है, तो सब कुछ आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा, आप लोग को इस वीडियो में 10% स्टैंड डिस्काउंट की सच्चाई अच्छे से पता चल जाएगी। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को सीधी सी बात बता देता हूँ विदाउट एनी बकवास किए हुए। तो जब भी आप लोग कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से परचेज करते हो ना, जब वो बैंक ऑफर में जो भी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड दिया रहता है, उसी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से करते हो, तो भी कई बार आप लोग को 10% का स्टैंड डिस्काउंट नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप लोग कोई प्रोडक्ट ईएमआई या फिर नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेज करते हो, तो वहाँ पे आप लोग को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं मिलता। हालांकि जब आप लोग प्रोडक्ट बाई करने जाओगे, तो लास्ट में जो ऑर्डर समरी दिखाएगा, वहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा कि 10% इंस्टेंट डिस्काउंट इतना डिस्काउंट होता है, इतना माइनस हो रहा है, लेकिन जी एक्चुअल में वो चीज़ें माइनस नहीं होती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बैंक हमारे साथ धोखा करती है, तो जी बैंक भी धोखा यहाँ पे नहीं करती। तो जो जी आप जब भी कोई प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेज करते हो ना, तो वहाँ पे जो 10% का स्टैंड डिस्काउंट आप लोग को मिल जाता है, लेकिन बैंक आपके ऊपर चार्जेस भी तो लगाती है, नो कॉस्ट ईएमआई पे चार्जेस लगाती है, तो जो चार्जेस होता है वो इक्वल कर दिया जाता है नो कॉस्ट 10% के स्टैंड डिस्काउंट से, तो वो माइनस कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है, जितना उसकी एक्चुअल प्राइस होती है, उतने का ही आपको प्रोडक्ट पड़ जाता है नो कॉस्ट ईएमआई पे लेने के बावजूद। लेकिन 10% का स्टैंड डिस्काउंट मिलता, तो आप सोचिए कि 10% लेस हो जाता ना, लेकिन वहाँ पर आप जब भी पूरा अपना टोटल ईएमआई टेन्योर जो पेड करने के बाद भी अगर आप लोग देखोगे कि, तो वहाँ पे आपका जो एक्चुअल प्राइस रहेगा उसके बराबर ही आपका टोटल प्राइस आएगा। तो ये चीज़ आप लोग ख्याल रखिएगा कि भाई नो कॉस्ट ईएमआई पे अगर आप लोग प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोग को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। हाँ, वहीं अगर आप लोग फुल पेमेंट करते हो उस प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे आप लोग को 10% का स्टैंड डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आप देखोगे ऑर्डर समरी या फिर जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करने के बाद देखोगे जो बिल आता है, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि जितने का प्रोडक्ट रहेगा उतना 10% का जो स्टैंड डिस्काउंट वो माइनस करके वो प्राइस आप लोग को पेड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें फर्क पड़ जाती है नो कॉस्ट ईएमआई में और फुल पेमेंट देने में। तो फुल पेमेंट में आप लोग को 10% का स्टैंड डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई में तो नहीं मिलेगा। और साथ ही अगर आप ईएमआई पे लेते हो नॉर्मल ईएमआई में, तो वहाँ पे तो भाई बैंक की तरफ से जो चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, वही काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो तो एक्चुअल प्राइस से भी ज़्यादा टोटल कास्ट आपकी पड़ जाती है। तो जी यही है नो कॉस्ट ईएमआई और 10% स्टैंड डिस्काउंट का काला सच। हालांकि बुरा बिल्कुल नहीं है जो चाहे 10% का स्टैंड डिस्काउंट हो या फिर नो कॉस्ट ईएमआई, क्योंकि आपको भाई प्रोडक्ट जितना प्राइस प्रोडक्ट का रहता है, उतने ही प्राइस में आप लोग को प्रोडक्ट मिल जाता है, कोई अलग से इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं लगाया था। जैसे कि नॉर्मल ईएमआई अगर आप लोग करवाते हो, तो वहाँ पर आप लोग को इंटरेस्ट चार्ज किया था, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई में आप लोग को जो इंटरेस्ट रहता है वो माइनस कर दिया जाता है, तो एक फ़ायदा मिल जाता है। तो आप लोग अगर नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो, लेकिन हाँ 10% स्टैंड डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग को फुल पेमेंट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा। आई थिंक आप सभी लोग को 10% स्टैंड डिस्काउंट और नो कॉस्ट ईएमआई का जो बवाला है वो आप लोग को समझ में आ गया। फिर भी अगर आप लोग के मन में कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। एक साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो, तो इसी तरह बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।